विजुअल नहीं हो। आइए आइए मुझसे तेरा कैमरा इतना आगे कैसे जा रहा है? मैं जा रहा हूँ और पीछे नहीं नहीं सर सर यहाँ पर है। चलो बाइक रुक जाए चलो आ जाओ क्या कर रहे हैं चीज़ कहीं जा रहे हैं बैठ कर हाँ सर चारों सर मैडम यहाँ पर सर सामने आपकी वजह से आपके राइट साइड थैंक यू सर चलो बाइट कर लो बाइट बाइट सर बाइट 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 जी जल्दी सर थोड़ा पीछे सर सर थोड़ा सर आपके बस बस सर काम हाँ जी पहुँचा नहीं बस सर हमें तो पहुँचना कैसे हो भैया? अच्छा यही मतलब ये ठीक है सर ठीक है आप चिंता मत कीजिए सर की तरफ से सर सिर्फ एक दिन रह गए हैं तो क्या नर्वस फील कर रहे हैं एक्साइटेड फील कर रहे हैं पहले तो ये जानना चाहिए नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ मैं तो हमेशा जब बोलते हैं ना कि कॉपी आप जब मन से लिखते पढ़ते हो और कॉपी अच्छे से भरते हो तो एग्ज़ाम की आपको जो है एग्ज़ाम के रिजल्ट की चिंता नहीं रहती। बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है सबने और समीर ने बड़ी मेहनत करके पूरी कास्ट की सब नए लड़के और लड़कियाँ और हमारे प्रोड्यूसर साहब नए हैं सब लोग नए और हम लोग जब भी क्योंकि हम भी कभी नए थे तो जैसे ही कोई नई फिल्म या नई टीम आती है तो पुरानों के साथ में तो काम करने का मज़ा लेते ही रहता हूँ लेकिन जब नई टीम आती है तो बड़ी एक तो काम करने का मज़ा लेता हूँ दूसरे शुभकामनाएँ देने का भी मज़ा लेता हूँ। तो मैं पूरी टीम को समीर भाई की जिससे हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं जिन्होंने उन्हें बहुत प्यार से इस फिल्म को एक बोलते हैं ना थ्रिलर लव स्टोरी एक तो थ्रिल और दूसरे लव का कॉम्बिनेशन बहुत ही चैलेंजिंग होता है और पूरी टीम ने जिस तरीके से मेहनत करके इस फिल्म को सजाया संवारा है मैं शुभकामनाएं देता हूँ 4 तारीख को खूब सबका आशीर्वाद मिले खूब फिल्म चले और सब सभी लड़के लड़कियाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको खूब पसंद आए। देखिए हमने हमेशा कॉमन मैन रोल किए हैं और हमारा भी ये इस फिल्म में एक एक जो है वो सपोर्टिव रोल है और एक ऑफिस में काम करने वाले बंदे का रोल है अच्छा रोल है क्यूट सा रोल है आपको एक स्ट्रेंथफुल रोल देखने को मिलेगा और फिल्म में एक बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ रोल मिलेगा। ओके मूवी में बहुत से नए नए कलाकार हैं तो उनके साथ काम करके कैसा लगा? मैं तो हमेशा नए नए के साथ काम करने में बहुत मज़े लेता हूँ क्योंकि मैं भी कभी नया ही तो था तो पुरानों ने हमारे साथ काम कर लिया तो अगर मैं मुझे हालांकि मैं तो 77 में भी 27 का ही दिखना चाहता हूँ और जब नए आते हैं तो मैं और नया हो जाता हूँ मुझे लगता है स्वीट 16 विद सम एक्सपीरियंस तो मुझे नए और पुराने पुरानों के साथ पुराने जैसा मज़ा ले लेता हूँ और जब नए आते हैं तो उनसे ऊर्जा ले लेता हूँ और नए के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। और 4 तारीख को फिल्म रिलीज है कृष्णगी और प्लीज़ सब लोग देखिए खूब बच्चों को आशीर्वाद दीजिए बड़ी प्यार से बनाई गई फिल्म बड़े अच्छा म्यूज़िक है अच्छी आपको राइटिंग देखने को मिलेगी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलेगा एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी और कैरेक्टर्स के बीच में अच्छे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे तो मैं पूरी पूरी अपनी तरफ से अपने आप को पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि खूब फिल्म अच्छी चले
देश दुनिया का खूब अच्छा प्यार मिले। थैंक यू सो मच सर। सर और एक ये मूवी के बाद वापस और एक आपकी मूवी आ रही है टोटल धमाल करके, भी मूवी में आप काम करने जा रहे हैं, उसमें बहुत टाइम के बाद अनिल कपूर जो माधुरी जी भी आ रही है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहें। जो फिल्म आने वाली होती है, जिसकी तारीख तय हो जाती है, वो फिल्म हो जाती है, और जब तक जिसकी रिलीज की तारीख न तय हो तब तक वो प्रोडक्शन होता है, तो अभी सब अंडर प्रोडक्शन है। थैंक यू। देखो एक फिल्म चलती है तो 10 फिल्मों के दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। I wish him all the best, the director, like young director Samir Khan and Jayant Ghosh, and wonderful, it's a nice subject because it's so important, like, you know, these days there's so many thrillers happening and all, like, it's, I heard that it's a psychotic thriller. So please take it in a positive way because it's just not that, like, negative, but it's just the passion called which is psychotic, so, you know, make sure that you don't get scared. It's going to be a super, super, super excited, exotic thriller movie, which I'm so congratulating, and all the best wishes to him. May you have success over like a blockbuster. Thank you so much. Thank you, Mara. Thank you. Mungan. और आप एको उसके पास ले ले सर सामने। चलो बात कर लो सर, थोड़ा आगे सर। बारूद बारूद क्या हुआ व्हाट ऑल द अदर एक्टर्स बट वेयर आर दे ओके इज देयर एनी फूड और इज देयर जस्ट लाइक सम या गुड नीड सम फूड हाँ जी। हाँ एक्चुअली मैं कई सालों से अमेरिका में रह रहा हूँ, तो अभी मुझे मौका मिला, अच्छी फिल्म है, अच्छा सेटअप है, सब कुछ है, राजपाल यादव हैं, तो इसीलिए बस मैंने सोचा कि मैं इसका हिस्सा बन जाऊँ। नहीं ऐसा ऐसी कोई मेजर प्रिपरेशन नहीं थी, बाकी बस यही था कि भोपाल की गर्मी में शूट कर रहे थे तो उससे डील करना, बाकी टीम बहुत अच्छी थी, हमारे प्रोड्यूसर जयंत घोष, हमारे डायरेक्टर समीर खान, हमारे राइटर मंदिर बलियावी, और खासकर म्यूज़िक डायरेक्टर को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा गोफी, उन सब ने इतनी मेहनत की, और मतलब कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक टीम का हिस्सा नहीं हैं, बहुत मज़ा आया। कैरेक्टर वही पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि ये मर्डर्स जो फिल्म में हो रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कि जानने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं। ओके थैंक यू।
नीचे बैठे सब वहाँ पर आइए ना, यहाँ पर कोई नहीं भाई, मेरा वायर कहाँ से कहाँ गया। First of all, I am really very excited for the film, and today we are here for the premiere, and let's see what happened today, because the thing is that we all are really very excited because we have worked a lot. We have worked a lot for this film, for the songs, for everything, and today we'll all here, like all the star cast, all the people of our film, they all will be here. And we all are really very excited. Let's see कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी कोशिश को कितना पसंद करने वाली है. So we are hoping for the best. Okay, all are we are meeting for the first time. Yeah. So can you tell us something about your character you are playing in the movie? I am playing the character of Pooja. One character is very prominent in the film. Well, that is Aryan's character. He is playing the cop character, and I am playing his sister's character. So my character is a very simple character, geeky type of girl of character I'm playing. But इस character के अगर दूसरी तरफ हम देखें तो दोनों बहुत अलग अलग आपको पहलू नज़र आएंगे, क्योंकि character बहुत simple है और उसके बिल्कुल opposite है जो मैं character play कर रही हूँ song में, जो एक dream sequence है. So वो बहुत bold है और काफ़ी cool भी है और बहुत enjoy कर रही है, वो अपने आप में ही खुश है. So वो character भी I hope कि सबको पसंद आए. Okay, apart from trailer, the people are really enjoying your the songs. Yeah. Songs are getting a very huge response. आपने देखा गाना? Yes. Okay. So what do you like to say about that? ट्रेलर तो सबको बहुत पसंद आया है, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉन्ग. सॉन्ग्स आर रियली वेरी नाइस, बिकॉज द थिंग इज दैट बिकॉज हमने जितना सॉन्ग्स को बनाने में मेहनत की, उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी वर्कशॉप्स किए हैं. तो लाइक 15-20 डेज की वर्कशॉप हमने साथ में किया है. तो वर्कशॉप्स के बाद में जो रिजल्ट, जो आउटपुट निकल कर आया है, वो बहुत अच्छा निकल कर आया है. एंड इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी हार्डवर्क किया, काफ़ी चोटें हमको लगी हैं, स्विमिंग नहीं आती थी फिर भी स्विमिंग पूल में सीन्स किए हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को हमें मिली है फिल्म में. लेकिन फाइनली रिलीज़ हो रही है, स्पेशली लोग गाने बहुत पसंद कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ दी है सुनिधि मैम ने, देव नेगी ने. सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स स्पेशली मुझे मिल रहा है, बिकॉज अब तो ऑन एयर भी हो गया है गाना, टीवी स्क्रीन पर भी पूरे इंडिया को नज़र आ रहा है. सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सो हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस विद राजपाल यादव, कायनात अरोड़ा इज आल्सो देयर इन द राइट. सो हाउ वाज एक्सपीरियंस? सो देयर कैरेक्टर इज लाइक इंडिविजुअल कैरेक्टर, बिकॉज मेरा राजपाल जी के साथ कोई सीन्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली. बट हम लोग आपस में मिले हैं, बातें भी की हैं, सेट पर भी हम लोग रहे हैं, तो काफ़ी इन्जॉय करने को मिला. कायनात का जो गाना शूट हुआ है वो भी बाद में हुआ है मेरे आने से, लेकिन वो गाना भी काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है एंड सब बहुत पसंद कर रहे हैं उस सॉन्ग को. तो हम सबकी ट्यूनिंग आपस में बहुत अच्छी थी. इनफैक्ट कावेरी, उसके बाद कैस एंड अनुष्का, हम सबकी ट्यूनिंग आपस में बहुत अच्छी थी. वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स नाउ. अभी इस तरह
सेंट्रल लुक कैमरा यहाँ पे आपके आपके राइट साइड पर यहाँ पे राइट साइड अभी आता हूँ सतेंद्र अरे लाइट मैम थोड़ा सा सिर्फ एक दिन रह गए हैं रिलीज को तो कैसा फील कर रहे हैं आर यू नर्वस एक्साइटेड पहले तो ये जानना चाहिए या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस आल्सो लिटिल बिट नर्वस हूँ बट बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एक दिन बाद मेरी मूवी रिलीज हो रही है थिएटर्स में बहुत अच्छा लग रहा है ओके आपके कैरेक्टर के पहले जानना चाहिए आप क्या प्ले कर रहे हैं हाँ इस मूवी में तिशनगी में मैं मेघा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो एक बहुत ही चुलबुली लड़की होती है बहुत नटखटी होती है जो हमारे एक्टर हैं करण की भूमिका में वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी स्टोरी उनके साथ ही जाती है कैसे कैसे उनसे प्यार होता है उनकी लव स्टोरी है बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी है ओके आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे कैसा रियली हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद माय डायरेक्टर सर समीर खान एंड माय को एक्टर कैस तन्वी जी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट डेब्यू मेरी पहली पिक्चर है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया मुझे खुद में एक प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने किया इतने अच्छे गाने पे और राहत सर के गाने पे मैंने पहला परफॉर्म किया मुझे बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ओके फाइनली 4 को मूवी रिलीज होने जा रही है क्या कहना चाहेंगे दर्शकों मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी प्लीज़ आप जाओ मूवी देखने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ बहुत अच्छी मूवी बनी है बहुत इंजॉय करोगे आई होप बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को सर सामने सर सामने आपकी बाइक क्या लेना अरे बाइक चलो पहले सिग्नल पे कर दो ना भाई विजुअल नहीं हो रहा आइए आइए बाहर का ही विजुअल है हॉस्ट के साथ